आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर निगम के प्रांगण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पूरा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में अलग अलग दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों से परिचय करवाया जा सके, जिनकी वजह से हम लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। उसी कड़ी में नगर निगम के 400 वाहन से तिरंगा रैली निकाली गई थी। 11 अगस्त को एक मिनी मैराथन दौड़ आयोजित किया गया था, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, जिससे सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगाने के लिए जागरूक हो सके। शुक्रवार को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का सम्मान किया गया और तिरंगा रक्षा सूत्र बांधा गया। उन्होंने कहा, इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। महानगर में सभी घरों पर तिरंगा लहरा रहा है, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों व नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, नगर निगम परिवार की तरफ से माननीय महापौर जी द्वारा सम्मान हम अब मैं आदरणीय डॉक्टर पांडे जी से सूर्यप्रकाश पांडे जी आप साइड में जाइए माननीय महापौर अर्पित करके सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती कलावती जी मिष्ठान भेंट किया जा जी और साल अर्पित करेंगे आदरणीय नगर नगर आयुक्त आप और भी अच्छे जा रहे हैं मिष्ठान भेंट करेंगे नगर आयुक्त माननीय नगर आयुक्त मिष्ठान भेंट करेंगे आगे आमंत्रित कर रहे हैं श्री जयप्रकाश सिंह श्री वीरेंद्र कुमार यादव जी माल्यार्पण महापौर जी कर रहे हैं नगर आयुक्त साल अर्पित कर रहे हैं स्थान भेंट किया जाए वीरेंद्र कुमार यादव बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग जी नगर आयुक्त साहब ने कुछ बात की आपसे क्या कहा हम नगर आयुक्त महोदय ने हम लोगों को आज टैक्स माफ करने के लिए कहे सेनानी परिवार को सम्मानित भी किया गया आप लोग हाँ सम्मानित किए हैं साल और रक्षा सूत्र बांध कर कैसा लगा बहुत अच्छा लगा हमारा नाम महंत प्रजापति है हम चौरी चौरा कांड से हमारे बाबा हैं जिनकी योगदान थी कि उन्होंने अंग्रेजों को पकड़ करके पैर उनका पकड़ करके रेलवे लाइन के किनारे पटक पटक करके मारते थे और उन्हें 5 साल की सजा हुई थी तब हम नगर आयुक्त बहुत आभार उनका अभिनंदन व्यक्त करना चाहेंगे कि जो हमेशा वो 15 अगस्त 26 जनवरी को बुला करके सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो है करते हैं सम्मानित करते हैं और हम प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया है इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और हम चाहेंगे और अभी चाहेंगे कि इस तरह का कार्यक्रम हमेशा और हर वर्ष चलता रहे ताकि हमारे जितने भी लोग जो है हैं वो सबको पता लगे कि आज़ादी कैसे मिली और आज़ादी के ऊपर वो लोग विचार कर सके आज़ादी को अपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाए ताकि बेहतर सारे लोगों को अनुभव हो सके आज़ादी के बारे में कुमार यादव
मेरे पिताजी स्वर्गेंद्र प्रसाद और स्वतंत्र सेनानी थे और उनका बहुत बड़ा योगदान जो है स्वतंत्र सेनानी में रहा है। काफ़ी समय तक जो है अपनी जेल में यातना झेलते हुए अपना अधिकांश समय वो जेल में व्यतीत किया। कैसा लगा ये सम्मान मिला? ये सम्मान नगर निगम द्वारा जो महापौर द्वारा जो सम्मान प्राप्त किया गया है मैं उनका अनुग्रही दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ ये जो है सम्मान हमेशा प्रदान करते रहे। धन्यवाद। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और पूरा देश आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है और इसी के परिप्रेक्ष्य में 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक पूरे देश में तिथिवार अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमारे संतोष संग्राम सेनानी हैं जो हमारे क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांसें ले रहे हैं उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना है और दूसरी तरफ इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमको आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है यंग जनरेशन है उसको उन भावनाओं से उस इतिहास से भी परिचित कराना है कि जिनकी जिन महापुरुषों की वजह से आज हम लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। उसी कड़ी में 10 तारीख को पूरे शहर में नगर निगम की 404 पहिया वाहनों के माध्यम से तिरंगा वाहन रैली निकाली गई थी। 11 तारीख को पूरे शहर में एक मिनी मैराथन के रूप में 12 किलोमीटर लंबी तिरंगा मैराथन का आयोजन किया गया था जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 31,000 रुपये और थर्ड प्राइज 21,000 के रूप में दिया गया। साथ ही साथ 2100 के 10 कंसोलेशन प्राइज भी अलग अलग दिए गए। निश्चित रूप से इसका भी उद्देश्य जो है आम जनमानस के बीच में तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है और जिसको मूल में रख के ही पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमारे क्रांतिकारियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उस राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अवगत कराना था। आज जो है हम लोगों ने जिनकी वजह से खुली हवा में सांसें ले रहे हैं उन संतान संग्राम सेनानियों के आश्रित जन उनके परिवारी जन को हम लोगों ने यहाँ पर सम्मान के साथ आमंत्रित किया था। यहाँ पर उन सभी परिवारों के जो संतान संग्राम सेनानियों के परिवारी जनों का यहाँ पर सम्मान किया गया। उनको माला शॉल ओढ़ाकर मिष्ठान खिलाकर मिष्ठान देकर पूरा उनका जो है सम्मान किया गया और एक भव्य मंच पर उनको अलग से एक साथ बैठाकर उनको रक्षा सूत्र उनको जो तिरंगा रक्षा सूत्र है उनको बांधा गया। निश्चित रूप से यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से जहां पूरे शहर में और यह कह लीजिए पूरे देश में लोगों के भीतर खास तौर से जो यंग ब्लड हैं उनके भीतर देशभक्ति की नई भावना का जहां एक नई ऊर्जा का संचार होता है वहीं दूसरी ओर हमारे देश की एकता और अखंडता को अलग से एक नई मजबूती मिलती है। आपने इधर देखा होगा कि 10 तारीख के बाद से पूरे शहर में पूरे गोरखपुर शहर में ऐसा लग रहा है हर घर घर में आप देख सकते हो हर व्यापारी प्रतिष्ठान में देख सकते हो वहाँ पर तिरंगा ध्वज शान के साथ लहरा रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं आप नगर निगम के कैंपस में देख लीजिए एक एक कोने पर तिरंगा ध्वज लहरा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को तिरंगा की जो तिरंगा हमारा ध्वज है जो हमारी देश की आन बान शान का प्रतीक है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना उनके बीच में देशभक्ति की नई भावना का संचार करना।